Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Welcome to Hungry Spoon. आज मैं आपको खोए की बर्फी बनाना बताऊंगी कि बर्फी बनाने के लिए मुझे खोया चाहिए। मैंने ये खोया 1.5 कप खोया लिया है, 1 कप शक्कर मैंने लिया है, शक्कर मैंने पिसा हुआ ले लिया है ताकि जल्दी से इसमें खोए में मेल्ट हो जाए। इसमें खोए की बर्फी में डालने के लिए कुछ हमें ड्राई फ्रूट चाहिए। ड्राई फ्रूट में मैंने ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है, नारियल का बुरादा, थोड़ा सा काजू मैंने काट लिया है, 3 से 4 काजू, 3 से 4 मैंने बादाम काटा है और ये किशमिश काटा है मैंने। फिर इसमें मैंने दो से तीन छोटी इलायची मैंने डाला है, 3 छोटी इलायची, इसको मैंने कूट लिया है इस खोए की बर्फी में डालने के लिए। गरम कढ़ाई कर लेंगे, उसमें ये खोए को मैं सबसे पहले डाल दूंगी। मैंने इस खोए को खूब अच्छे से भून कर निकाल लिया था, पहले ही मेरे पास तैयार रखा हुआ था ये खोया, कुछ उसी से मैं बर्फी बनाना बता रही हूँ आपको। इस खोए को अच्छे से मैं भून लूंगी। भूनने के बाद जब ये गोल्डन कलर आ जाए फिर मैं इसमें शक्कर ऐड करूंगी। ये खोए की बर्फी में अगर आप खोए को खूब अच्छे से गोल्डन कलर में लेके आ जाएंगे तो ये खाने में काफी सोंधा और अच्छा टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इसका। कुछ बर्फी, कुछ खोए की बर्फी में कुछ लोग खोए को हल्का भूनकर सफेदी इसकी बने रहने देते हैं, उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। इस खोए की बर्फी में थोड़ा सा गोल्डन कलर आने पे अगर आप शक्कर ऐड करेंगे तब इसको बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। सोंधा सोंधा टेस्ट इसका आता है इस बर्फी में। देखिए अब मेरा ये खोए का कलर गोल्डन कलर में आने वाला है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी। शक्कर में हमेशा कोशिश करती हूँ कि पीस कर घर पर ही रख लूं, क्योंकि जो खड़ी शक्कर होती है, दाने वाली शक्कर होती है, वो थोड़ा सा कोई भी डिश बनाइए उसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये देखिए मैंने इसमें शक्कर डाल दिया है और ये अच्छे से खोए में फौरन ही मिल गया है। इससे क्या है, जब कभी भी आप कोई भी रेसिपी बनाने के लिए सोचते हैं तो ये सारा सामान आपके घर में अगर है तो ये झटपट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये इस तरह से मेरा कुछ बनकर तैयार हो गया है खोए और शक्कर। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट मैंने जो काट करके रखा था इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। थोड़ा सा इसमें मैं ड्राई फ्रूट बचा लूंगी, बाद में मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी। अच्छी खुशबू आ रही है इसमें मेरे इस खोए की बर्फी में। मैं आपसे यही कहूंगी इस मेरी रेसिपी को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे हंग्री स्पून चैनल को आप आगे से आगे शेयर करके इसको बढ़ाइए और कामयाबी दीजिए मुझे। कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है ये खोया मेवे और शक्कर के साथ। और जिस बर्तन में आपको सेट करना है उस बर्तन में आप इसको निकाल लीजिए। निकाल कर इसको अच्छे से दबा कर इसी के रूप में दे दीजिए। इस बर्तन
बर्फी की थिकनेस आपको जितनी रखनी है, जितना आप मोटा पसंद करते हो, पतला पसंद करते हो, अपने हिसाब से जिस कंटेनर में आप सेट करेंगे उस हिसाब से आप इसको सेट करिएगा। ये 5 मिनट में फ्रीजर में रख दीजिए, नहीं तो आप बाहर, आजकल मौसम ठंडा है, आप बाहर भी रख देंगे 5 मिनट के लिए, ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने के बाद इसको हम बर्फी के आकार का काट लेंगे। हमारी बर्फी सेट हो गई है, इसे हमें अलग साइज में काट लेना है और प्लेटिंग करना है। प्लेटिंग करने के बाद खोए की बर्फी मेरी कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताएं ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, और आपको हैप्पी दीपावली। Hungry Spoon, subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon.